हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गर्ल्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी आप में से काफ़ी सारी गर्ल्स की कि मैडम टीनेज गर्ल के लिए एक मेकअप लुक शेयर करिए। तो मैं आज आपके साथ एक मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ जो कि काफ़ी सिंपल होने वाला है। बहुत कम प्रोडक्ट में आप बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हैं, क्योंकि टीनेज में हमारे पास इतना सारा मेकअप का सामान होता नहीं है, तो हम कम से कम चीज़ों में अच्छा मेकअप कैसे करें, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ, खुद मेकअप करके बताने वाली हूँ। वैसे तो मुझे मेकअप करने का बहुत शौक है, बट मेरे पास भी ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि मैं मेकअप प्रोडक्ट का यूज़ बहुत कम करती हूँ अपनी स्किन पर, क्योंकि काफ़ी सारे साइड इफेक्ट हमें हो सकते हैं, आपको भी पता है स्किन पर। तो जितना ज़रूरत हो आप सिर्फ उतना ही मेकअप करिए, लिमिट से ज़्यादा मेकअप करना बहुत ज़्यादा दुखदायी या नुकसानदायक हो सकता है हमारी स्किन के लिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ सिंपल सा मेकअप लुक। अगर आपको बिल्कुल भी मेकअप करना नहीं आता है तो ये वीडियो आप देखिए, स्टेप बाय स्टेप मेकअप कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, और ज़्यादा मेकअप का कुछ भी खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप बहुत कम चीज़ों में भी बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए हम शुरू करते हैं, और ये है गुड वाइब्स का फेस सीरम, जो कि फेस पर अप्लाई किया जाता है और इससे फेस काफ़ी अच्छा ग्लोई बन जाता है। अगर आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई है तो आपको ये ज़रूर यूज करना चाहिए। मेरी स्किन ना एक्स्ट्रा ड्राई है, इसीलिए मुझे इसको यूज करना पड़ता है मेकअप करने से पहले। उसके बाद मैं यहाँ पर गुड वाइब्स की डे क्रीम यूज करूँगी, और ये काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी अच्छी मॉइस्चराइजर क्रीम है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है और आपकी स्किन में एक अच्छा सा मॉइस्चर लेकर आती है, जिससे आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगती है। इसको अच्छे से लगा लीजिए और उसके बाद आप इसको अच्छे से इस तरीके से मसाज कर लीजिए, एक दो मिनट के लिए नेक पर भी लगाइए। उसके बाद हम लगाएंगे फाउंडेशन। तो यहाँ पर मेरे पास दो स्टिक है, एक ओलिविया एक NYB की, तो यहाँ पर मैं NYB की यूज़ कर रही हूँ। ये सारे प्रोडक्ट आपको पर्पल पे भी मिल जाएंगे, पर्पल पे ही मिलेंगे आपको गुड वाइब्स के और NYB के सारे प्रोडक्ट, और ओलिविया तो आपको लोकल मार्केट से मिल सकता है। तो 120-130 रुपये की स्टिक आती है, काफ़ी अफोर्डेबल है, आप आराम से इसको बाई कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये अपने पूरे फेस पर लगा लेनी है, और काफ़ी अच्छी काफ़ी सस्ती है यार ये, मतलब 120-130 रुपये की मैंने ली थी ये purple.com से, इतना अच्छा कवरेज होता है इसका, मतलब आपको कोई भी महंगा फाउंडेशन लगाने की जरूरत ही नहीं, आप खुद देख लीजिए कितना अच्छा कवरेज दे देता है ये। सिंपल मेकअप के लिए या फिर पार्टी वेयर मेकअप के लिए आप इसको डबल कोड में लगाएंगे ना, तब भी ये बहुत अच्छा लुक देता है। उसके बाद मैं यहाँ पे ओलिविया का कॉम्पैक्ट लेकर और इसको अच्छे से सेट कर रही हूँ, जो हमने फाउंडेशन लगाया है। और ओलिविया के तो जो जितने भी प्रोडक्ट है वो आपको लोकल मार्केट में इजीली मिल जाएंगे, लेकिन गुड वाइब्स के और NYB के प्रोडक्ट आपको purple.com पर ही मिलेंगे, तो वहाँ से आप ले सकते हैं purple.com से, और काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, आप ज़रूर चेक करिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर लाइनर लगाऊंगी, जेल लाइनर, ये है मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन है लाइनर के, आप देख लीजिए, लिक्विड भी है, ये है, बहुत सारे हैं मेरे पास NYB का है। तो लाइनर मैं यहाँ पर जेल लगाती हूँ गर्मियों में अधिकतर, क्योंकि गर्मियों में पसीना आता है तो फैल जाता है लाइनर, लेकिन जेल लाइनर बिल्कुल भी नहीं फैलता है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। तो इस तरीके से आपको जेल लाइनर ले लेना है। जेल लाइनर में भी काफ़ी अलग अलग ब्रांड आती है, आप अच्छे से ब्रांड का लाइनर लीजिए, मैंने म्यूजिक फ्लावर का लिया है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप बहुत ईजी है, देखिए पहले इस तरीके से आउटलाइन बना लीजिए पूरा, और उसके बाद इसमें अच्छे से फिल कर लीजिए, ऐसे बहुत ही ईजी है लाइनर लगाना। देखो दोनों आँखों में मैंने लगा लिया है, और कितना अच्छा लग रहा है अब आई लुक। उसके बाद ये NYB का काजल मैं यूज़ कर रही हूँ, इतना सस्ता काजल और ऊपर से इतना अच्छा लॉन्ग लास्टिंग कहीं नहीं मिलेगा आपको, ओनली purple.com पर ही मिलेगा, मैं बता दूँ पहले ही, और बहुत ही अच्छा है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है और बिल्कुल ब्लैक है। तो इस तरीके से आपको अपने वाटर लाइन पर लगाना है इसको। उसके बाद एक ब्रश लेना है, जिसे हमने आई लगाया था लाइनर, उसी को आपको इसको इस तरीके से स्मच कर लेना है अच्छे से, ताकि ये फैले ना और बहुत अच्छे से आपकी आईज दिखाई दें। तो इस तरीके से नीचे भी आउटलाइन बना लीजिए। उसके बाद लिपस्टिक के लिए ये देखिए मिनी लिपस्टिक के काफ़ी सारे कलर है यार, इतने कलर ऑप्शन है कि आपको अलग अलग लिपस्टिक लेने की जरूरत ही नहीं है, मतलब एक लिपस्टिक खरीद कर आप मतलब एक बॉक्स खरीदिए, उसमें इतने सारे कलर है। तो यहाँ पर मैं पिंक कलर लूँगी अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग, और इस तरीके से लगा लूँगी, और काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है ये भी, आपको purple.com पर मिल जाएगी, 300-400 में पूरा बॉक्स साइज मैंने लिया था ये। और ये देखिए फाइनल लुक, इतनी फटाफट से मेकअप हो गया, बस मैं रोज़ ऐसे ही मेकअप करती हूँ और वीडियोस बनाती हूँ आप लोगों के लिए। सिंपल सा मेकअप है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, फटाफट यूज करिए, ट्राई करिए। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टाटा।